हमारे छत्तीसगढ़ वैसे तो व्यक्ति मिलते हैं विकलांगता नेत्रहीन, लेकिन आज मैं ऐसे व्यक्ति से मिली जो नेत्रहीन है विकलांगता है, लेकिन दूसरे विकलांगता और नेत्रहीन व्यक्ति से हटकर है। सुकालू निषाद जन्म से अब तक संघर्ष करते आ रहा है। ये विकलांगता और नेत्रहीन होने के बाद भी अपने पैर पर खड़ा है, जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। पढ़ाई आप कहाँ किए? प्राथमिक और माध्यमिक के लिए मैं रायपुर सुंदरनगर ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किया, उसके बाद उच्चतर माध्यमिक शाला राजनांदगांव जबलपुर में पढ़ाई की। हमारे माता पिता ने मजदूरी करके पालन पोषण किया, और जितनी भी कठिनाइयाँ थी उनको सहन करके हमको पूरा सहयोग किया और स्कूल में भर्ती करवाए और पढ़ाया भी। उस समय दिक्कत आती थी कि हम जो है कभी कभी ऐसा था कि एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता था। नौकरी लगी उसके बाद अब खर्चा जो है मेरे ही द्वारा वहन किया जाता है। कौन से पोस्ट में हैं आप? अभी वर्ग 3 में था हूँ, शिक्षा करूँगी। पढ़ाने में किस तरह से दिक्कत होती है? पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती मैडम जी, जो ब्रेल लिपि की पद्धति है और जो देवनागरी लिपि की पद्धति है उसमें जो शब्द रहते हैं, शब्दकोश रहते हैं, जो पाठ्यक्रम रहता है उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। केवल अंतर यही रहता है कि जिस चीज़ को आप देख के पढ़ रहे हो उसी चीज़ को हम ब्रेल लिपि में छू कर पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और उनके समझाने का भी जो तरीका है, मतलब उदाहरण के द्वारा समझाना और किसी अन्य माध्यम से जो जानते हैं और जो बच्चों के लायक उपयुक्त है तो वो सभी बातों को समझाते हैं। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनाट के लिए।